राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रिश्ता अब सियासी हो गया है। दोनों एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। कभी नीतीश ने ही प्रशांत किशोर को राजनीति में आने की नसीहत दी, लेकिन अब दोनों के बीच जुबानी जंग चल रही है। सीएम नीतीश कुमार प्रशांत किशोर का नाम लेने से भड़क जाते हैं, तो वहीं प्रशांत किशोर हर इंटरव्यू में नीतीश कुमार पर हमला करने से बाज नहीं आते। जब नीतीश कुमार के नेचर पर प्रशांत किशोर ने कमेंट किया, तो बिहार के मुख्यमंत्री उनकी असलियत बताने पर उतारू हो गए। अब प्रशांत किशोर ने एक निजी समाचार चैनल को इंटरव्यू दिया और नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। नीतीश कुमार के पीएम बनने की संभावना पर प्रशांत किशोर ने कहा कि उनके पीएम बनने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद पीएम बनने की बात नहीं कही है, किसी दूसरे दल ने भी नहीं कहा, यहां तक कि उनके दल ने भी नहीं कहा। हाँ, ऑफ द रिकॉर्ड बात होती होगी, दिल्ली जाते हैं, नेताओं से मिलते हैं, तो इससे कोई दावेदार नहीं बन जाता। प्रशांत किशोर ने कहा कि नेताओं से मुलाकात कर खाना खाने से या साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से आप विकल्प नहीं बना सकते हैं। विकल्प बनाने के लिए जरूरी है कि आप जमीन पर आएं, आपके पास कोई मुद्दा हो, जमीन पर कार्यक्रम हो, कार्यकर्ताएं हो, विश्वसनीयता हो। इसके अभाव में कुछ नेताओं के साथ बैठक करने से कोई उम्मीदवार नहीं बन जाता, ये प्रशांत किशोर ने कहा है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा, कहा जिस नीतीश के लिए मैंने 2015 में नारा दिया था बिहार में बाहर हो, नीतीश कुमार हो, वो पद छोड़ने को तैयार रहते हैं। अब ये नीतीश वो नहीं है, बिहार में बाहर भी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जरूर कुर्सी पर है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में पिछले कई सालों से एक ही बात स्थिर है, सीएम की कुर्सी और उस पर बैठे नीतीश कुमार। मैं जहां भी जा रहा हूं वहां नीतीश कुमार का विरोध है। उन्होंने कहा कि मैंने नीतीश कुमार को सीएम न बनने की सलाह दी थी। 2020 के चुनाव में कम सीटें मिली थी, इसलिए मैंने ये सलाह दी। मैंने कहा कि आप 40 से 42 सीटों के साथ सरकार नहीं चला पाएंगे। मैंने उन्हें विपक्ष में रहने की सलाह दी थी, उन्होंने इस बात पर हाँ भी किया, लेकिन बाद में पता चला कि वो सीएम बन रहे हैं। लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के विपक्ष के पीएम उम्मीदवार बनने को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि किसी नेता के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से मिलने से आप विकल्प नहीं बना सकते। नीतीश कुमार या उनकी पार्टी ने भी उनकी पीएम दावेदारी को लेकर कुछ नहीं कहा। हाँ, बिहार में एक दो जगह पोस्टर लगे हैं बस। आपको बता दें, नीतीश कुमार आम चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने दिल्ली में राहुल गांधी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, शरद यादव समेत विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात की है। हाल के दिनों में नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी से संबंध तोड़ लिया, आरजेडी के साथ नया संबंध गांठ लिया। अब वो पूरे देश में बीजेपी को हराना चाहते हैं, जिसको लेकर प्रशांत किशोर ने बयान दिया, तंज कस दिया, कह दिया उन्हें बिहार की राजनीति में एंट्री किए 3 साल ही हुए हैं और राज्य में राजनीति 180 डिग्री तक घूम गई है। अगले विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में और बड़े फेरबदल होंगे। राजनीति में बार बार यू टर्न लेने से नीतीश कुमार की छवि खराब हुई है। आपको बता दें, प्रशांत किशोर कभी नीतीश कुमार के काफी करीबी हुआ करते थे। प्रशांत किशोर की ही सलाह पर नीतीश कुमार राजनीति करते थे, लेकिन इसके बाद दोनों में मनमुटाव हो गया और आज दोनों एक दूसरे के दूर विरोधी हैं। नीतीश कुमार तो प्रशांत किशोर का नाम सुनते ही भड़क जाते हैं, प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार पर लगातार कटाक्ष करते हैं। जनवरी 2020 में नीतीश कुमार ने जब प्रशांत किशोर को जेडीयू से निकाला था, तो किशोर ने कहा था, नीतीश जी हमेशा मुझे अपने बेटे की तरह मानते थे और वो मेरे लिए पिता जैसे थे, इसलिए उन्होंने जो भी फैसले लिए मैं उससे सहमत हूँ। उन्होंने मुझे पार्टी में शामिल किया और मुझे निष्कासित कर दिया, लेकिन मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। और आज का बयान देख लीजिए। 2015 बिहार विधानसभा चुनाव से शुरू हुआ प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार का रिश्ता 2020 में टूट गया। 5 साल में चला ये रिश्ता, 2 साल बाद ही खराब होने लगा था। दोनों का एक दूसरे से मोह भंग होने में 3 साल का वक्त लगा। बीच में जब नीतीश कुमार की दिल्ली में प्रशांत किशोर से मुलाकात हुई, जिसमें नीतीश की ओर से पैचअप की कोशिश हुई, हालांकि इस बार नीतीश कुमार के बयान में तल्खी ज्यादा है। तब प्रशांत किशोर सियासी मैदान में नहीं थे, लेकिन अब तो आमने सामने के मुकाबले में दोनों दो दो हाथ करने की तैयारी में हैं। प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार का रिश्ता पिता पुत्र जैसे से अब अंड बंड तक पहुंच गया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।